हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज मैं हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड में। आप देख सकते हो मेरे आसपास बैकग्राउंड में बहुत सारे क्लाउड्स हैं। यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से मौसम बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम 3 अलग अलग फिल्टर्स यूज करने वाले हैं जो मेरे हाथ में अभी हैं, और हम ये देखने वाले हैं कि इन 3 फिल्टर्स को यूज करने के बाद किस टाइप के रिजल्ट आपको मिलते हैं। मेरे पास टोटल 3 फिल्टर हैं, जिसमें से पहला है यूवी फिल्टर, दूसरा है सीपीएल फिल्टर और तीसरा है जीएनडी फिल्टर। तो हम तीनों फिल्टर को अलग अलग यूज करेंगे और इन तीनों फिल्टर्स के यूसेज देखेंगे। उसके बाद हम इन तीनों को क्लब करने की कोशिश करेंगे, या एटलीस्ट 2 फिल्टर को ऐड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उन दोनों को यूज करने से क्या रिजल्ट हमको मिल सकता है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे कॉमनली यूज होने वाला फिल्टर है यूवी फिल्टर। हम इस फिल्टर को यूज करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। मेरा कैमरा अभी वीडियो मोड में है, मैं सिंपली आपको बस सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो मोड में रहेगा और हम इन पर ये फिल्टर अप्लाई करेंगे तो डिस्प्ले में हमारे कितना डिफरेंस आएगा। तो मैं इसका वीडियो ऑन करता हूँ। अभी मेरे कैमरे की सेटिंग है 50, इसका शटर स्पीड है 7.1, इसका अपर्चर है और ISO मैंने 160 रखा हुआ है। ये बेसिकली 25 फ्रेम पर सेकंड पर चल रहा है, तो इस वजह से मेरा जो शटर स्पीड है वो 50 पे है। तो सबसे पहले ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने इसकी शुरू कर दी है और मैं इस पे अप्लाई करने जा रहा हूँ ये यूवी फिल्टर। वीडियो अभी भी चल ही रहा है। अगर आप लोग ग्लासेस पहनते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चश्मा पहनते हैं, वो अक्सर अपने चश्मे में यूवी फिल्टर यूज करना पसंद करते हैं, या आजकल ऐसे बहुत सारे फैशनेबल ग्लासेस भी हैं जिनमें यूवी फिल्टर इनबिल्ट आता है। तो बेसिकली इसका काम है अल्ट्रा वायलेट रेज को कट करने का, बट समहाउ हम देखते हैं कि हमारे जो फोटोग्राफ्स हैं उस पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपको तब देखने को मिलेगा जब आपके पास हार्श लाइटिंग होगी, या आप डे लाइट में दिन में शूट कर रहे हो। इस टाइम पर क्योंकि लाइट ऑलरेडी बहुत कम है तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। मैं इसे हटाता हूँ और इसके बदले यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं सीपीएल फिल्टर। CPL फिल्टर की खास बात यह है कि इससे जब भी आप इसे अप्लाई करते हैं, इससे 2 बहुत अच्छी फैसिलिटीज हमको मिलती हैं। पहली फैसिलिटी है कि जो आपके कलर्स हैं उसमें सेचुरेशन बढ़ जाता है, स्पेशली ब्लू कलर का इम्पैक्ट आपको बहुत अच्छा नजर आता है। दूसरी चीज़ जो इसकी सबसे अच्छी है वो ये है कि ये रिफ्लेक्शन को कट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसे फोटोग्राफ को कैप्चर कर रहे हैं जहाँ पर किसी शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्शन आ रहा है, या कई बार हम लेक के किनारे होते हैं या किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पानी पे सन रेज टकराने के बाद हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आ रही होती हैं, तो वहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल है। तो दोनों चीज़ें, सेचुरेशन और रिफ्लेक्शन। हम देखते हैं कि इस वीडियो पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये CPL फिल्टर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है, अभी स्क्रीन बिल्कुल डार्क हो गई है। इसमें जो खास चीज है ये है सर्कुलर पोलराइजर। तो सर्कुलर का मतलब है कि अगर मैं इसे घुमाना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ब्लू और जो पर्पल कलर, उन दोनों के कलर इम्पैक्ट हमें अपने फेस पे नजर आते हैं। मैं रोटेट करता हूँ, आप देख सकते हो कि इसकी सैचुरेशन लेवल में चेंज आ रहा है, और इवन जो कलर है उसमें एक बार में ब्लू में बढ़ता है और एक बार में पर्पल कलर बढ़ता है। सो CPL जनरली अगर आप देखेंगे, अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में हैं तो शायद हो आप लोगों ने इसे यूज ना किया हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में से लोग यूज करते हुए मैंने बहुत कम लोगों को ही देखा है। कुछ प्रोफेशनली होते हैं जो इसको पर्पजली यूज करते हैं, लेकिन अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी में हैं, अगर आप आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में हैं, तो आपके लिए ये एक इसेंशियल चीज हो जाती है। क्योंकि ऐसे टाइम पर अगर हमें थोड़ा सा सेचुरेशन मिल सकता है, और सबसे बड़ी बात जो रिफ्लेक्शन है, जो भी लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, अगर वो कहीं से कट हो सकता है तो सबसे बेस्ट बात वो हो सकती है लैंडस्केप के लिए भी और आपके आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के लिए भी। तो इसका रिजल्ट हमने देख लिया है, मैं इसे चेंज करता हूँ और अब मैं इसमें यूज करने वाला हूँ जीएनडी।
जीएनडी का मतलब होता है ग्रेजुएटेड एनडी फिल्टर. मेरे पास बेसिकली एनडी फिल्टर नहीं है. मैक्सिमम टाइम पर हम ये देखते हैं कि लोग रिकमेंड करते हैं कि एनडी फिल्टर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उससे आप बहुत अच्छी लाइट में भी उस लाइट को कट कर सकते हो और लॉन्ग एक्सपोजर टाइप के फोटोग्राफ्स ले सकते हो. मेरे पास एनडी नहीं है लेकिन मैं जीएनडी यूज करता हूँ. जीएनडी की खास बात यह है कि ये ग्रेजुएटेड एनडी है, मतलब एक लेवल पे सबसे नीचे ये नॉर्मल फिल्टर की तरह, इसमें कोई भी जो लाइट है वो कट नहीं होती है, ना ही से कोई रिफ्लेक्शन कट होता है. बट जैसे जैसे ये ऊपर की ओर को बढ़ता जाता है तो इसमें ग्रेजुएटेड मतलब कि धीरे धीरे इसका डार्कनेस बढ़ता चला जाता है. इसका जो सबसे अच्छा फायदा होता है वो है सनराइज या सनसेट के टाइम पे, जब आपकी जो जमीन है वहां पे थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जाती है लेकिन जो आसमान है उसमें बहुत ज्यादा ब्राइटनेस रहती है, तो उस चीज के लिए बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. मैं इसे यूज करके देखता हूँ. ये मैंने इसे अप्लाई कर दिया है. अब आप देख सकते हो कि मेरा जो स्काई पार्ट है वो डार्क हो गया है और जो लैंड वाला एरिया है वो अभी भी काफ़ी जो नॉर्मल उसकी ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस अभी भी मेंटेन है. सो हम अभी क्या करते हैं, मैं इसको धीरे से थोड़ा सा घुमा लेता हूँ जिससे कि आपको इसका वर्किंग पता चल जाए. अब मैंने इसे एक कॉर्नर पे कर दिया है, मतलब अभी तक ये बिल्कुल मेरी स्क्रीन को दो अलग 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 भागों में डिवाइड कर रहा था. अब मैंने इसे घुमा दिया है और अभी ऐसे डिवाइड कर रहा है. तो अब आप देख सकते हो कि एक पार्ट इसका ब्राइट है, एक पार्ट इसका डार्क है. तो इस डार्कनेस को हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं बिकॉज ये भी सर्कुलर है तो ये कहीं भी घुमाया जा सकता है. इसे मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ. जब मुझे लगता है कि मेरा स्काई वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क है तो मैं इसे स्काई की तरफ को डार्कनेस रख लेता हूँ. और कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपकी स्काई में बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है जमीनी बरसात के दिनों में, तो उस टाइम पर फिर मैं इसे उल्टा भी कर सकता हूँ. सो इस तरीके से फाइनली आपको एक अच्छा इसमें फोटोग्राफ मिल जाएगा. इन इस वीडियो के बनाते टाइम जो भी फोटोग्राफ्स आपको या जो आपको आगे नज़र आ रहा है इसके फोटोज हम बाद में कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे एक ही फिल्टर को अलग अलग तरीके से कि कैसे अलग अलग फिल्टर को यूज करने पर हमको फाइनल रिजल्ट मिलते हैं जो कि हर बार अलग होंगे. तो अब मैं क्लब कर रहा हूँ, मैं क्योंकि यूवी फिल्टर का यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है, मैं उसे लगाऊं या ना लगाऊं उससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला. लेकिन अगर मैं CPL और GND इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे फोटोग्राफ पे, क्योंकि जो CPL फिल्टर है ये ऑलरेडी कुछ लाइट को कट कर रहा है, सैचुरेशन बढ़ा रहा है, रिफ्लेक्शन कम कर रहा है, साथ ही साथ मेरा जो GND लगा हुआ है उस GND ने मुझे एक स्पेशल परमिशन दे रखी है कि मैं अपने जो लैंड पार्ट है उसकी ब्राइटनेस को मेंटेन रखते हुए अपने स्काई पार्ट को डार्क कर सकते हैं. तो अब हम इन दोनों को एक साथ अप्लाई कर रहे हैं. GND इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं इसमें CPL ऐड कर रहा हूँ. ये दोनों फिल्टर रिंग फिल्टर्स हैं जिसको घुमाकर जो लेंस है लेंस के आगे घुमाकर लगाना पड़ता है. तो लगाने से पहले ये ज़रूरी है कि आप इस बात के लिए श्योर हो जाएं कि ये दोनों फिल्टर प्रॉपरली लग चुके हैं, क्योंकि अपने वेट की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये शॉट लेते टाइम गिर जाएं. तो इसलिए एक बार जब आपका कन्फर्म हो गया देन फिर आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें अभी GND लगा हुआ है और GND मुझे मेरी स्क्रीन को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो मुझे उसे प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा अपने स्क्रीन के हिसाब से कि वो लैंड की तरफ रहे या स्काई की तरफ रहे. तो मैं इसे इस तरीके से घुमा के फाइनली स्काई पे ले आता हूँ. अब ये जो स्क्रीन है उस स्क्रीन में स्काई वाला उस स्क्रीन में स्काई वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क है, लेकिन क्योंकि ये दोनों फिल्टर एक साथ अप्लाई हो गए हैं तो इसकी वजह से मेरी ब्राइटनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है. मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे कि मेरी लाइट मेंटेन हो सके, तो मैं हाल फिलहाल इसके अपर्चर को कम कर देता हूँ. तो वापस मैं इसका अपर्चर ले आया हूँ 4 पे, बाकी सेटिंग इसकी अभी भी सेम है. तो हम ये मेरे पास सबसे बेस्ट यूज़ करने का तरीका है. अभी जो भी मैं फोटोग्राफ खींचना चाहूँगा काफ़ी ब्राइटनेस है, इस ब्राइटनेस में भी मैं अगर लॉन्ग एक्सपोजर लेना चाहूँ तो ये दो फिल्टर की हेल्प से मैं एक ऐसा लॉन्ग एक्सपोजर ले सकता हूँ जिसमें जो लैंड पार्ट है उसकी ब्राइटनेस मेंटेन रहेगी
लेकिन जो स्टेप आर्ट है उसकी ब्राइटनेस मैंने कंट्रोल कर लिया है, वो मैंने उसे डार्क कर लिया है। अब यहाँ पर जो भी फोटोग्राफ्स मैं लेना चाहूँ उस फोटोग्राफ्स को मैं ऐसा ले सकता हूँ कि अगर डायरेक्टली मैं उसे यूज़ करना चाहूँ बिना कोई फोटोशॉप या लाइटरूम यूज़ किए तो वो यूज़ हो सकता है।